बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन क्लिक से ऑल एम्प्लॉयज की पे स्लिप रेडी किस तरह से हो जाएगी, हमें कुछ भी मैनुअल नहीं करना पड़े और जितने एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, पेरोल हमने मेंटेन करी हुई होगी, उनके एक क्लिक से वीबीए कोड टाइप करेंगे और ऑल एम्प्लॉयज की सेपरेट पे स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो ये किस तरह से सिस्टम बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, जबरदस्त सीखने को मिलने वाला। फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी को एंड ऑफ मंथ में कोई मल्टीपल स्लिप्स जनरेट करनी पड़ती है, अब वो स्टूडेंट फीस वाउचर्स वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी स्लिप्स वगैरह जनरेट करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली ऑल एम्प्लॉयज की जितनी डेटा एंट्रीज होंगी तो उस हिसाब से स्लिप्स रेडी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर ये किस तरह से होगा ये इसकी ट्रिक्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस है हमारा, जो भी आपका सैलरी रिकॉर्ड होगा या पेरोल वगैरह का वो हमने यहाँ पर एंटर करा हुआ है। अब देखें इसमें हमारे पास एम्प्लॉई आईडी, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं बेसिक से वो बता देता हूँ और फिर उसके बाद जो इसमें मेन काम होगा ऑटोमेटिक स्लिप जनरेट का वो मैं समझाऊंगा। नेम, फिर इसके डिपार्टमेंट, फिर डेजिग्नेशन है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी के अंदर जिस एम्प्लॉई की जो सैलरी है वो, अलाउंसेस जो कैलकुलेट होंगे वो, बोनस उनका, उसमें हमने टैक्स ऐड किया हुआ है मल्टीप्लाई बेसिक को 10%, टैक्स ऐड करके इंटर और यू नीचे ड्रैग हुआ हुआ है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड को हमने मल्टीप्लाई 5% कैलकुलेट किया है बेसिक से, इसको भी इंटर और ड्रैग किया हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्ट है, इसमें कोई अमाउंट फार्मूला नहीं है, जिसके जितनी हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमने लिख ली। अदर डिडक्शन में हमने अमाउंट लिख लिया, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ग्रॉस सैलरी पे प्लस हो जाएगा बेसिक अलाउंस और बोनस। थ्री कॉलम्स जो आ रहे हैं ये बेसिक्स अलाउंस बोनस तीनों प्लस फर्स्ट वाली रेंज और फिर इंटर और ड्रैग हो जाएगी ये ग्रॉस सैलरी। टोटल डिडक्शन में टैक्स, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर डिडक्शन, ये सारे प्लस सम लगेगा, ब्रैकेट ओपन और रेंज ये सिलेक्ट हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज इंटर और फिर इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे। नेट सैलरी के लिए इक्वल ग्रॉस माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन, इंटर और ड्रैग, पे डेट जो होगी वो और यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन हमने ऐड किया हुआ है। अब इसमें देखें होना क्या है, जैसे हमारे पास अभी टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 8 हैं। अब 8 रिकॉर्ड्स की हमें ऑटोमेटिक स्लिप जनरेट करनी है और प्लस उनके नेम के साथ। अब आपकी मर्जी है, आपको नेम के साथ करनी है कि हर शीट के साथ एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ जाए जिसकी जो शीट है, और प्लस अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से जनरेट हो, यानी यहाँ पे रीनेम होकर एम्प्लॉय आईडी के साथ उनका पे स्लिप रिकॉर्ड हो या फिर नेम के साथ, तो भी आपकी मर्जी है, उसका कोड में मैं एडिटिंग बताऊंगा आपको। अभी हम फिलहाल जनरेट जैसे ही क्लिक करेंगे, या मैंने इसमें अभी मैक्रो का लिंक किया हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ 8 एम्प्लॉयज की 8 स्लिप्स जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह आपका जितना डाटा भी एम्प्लॉयज का होगा उस हिसाब से वो मल्टीपल स्लिप क्लिक से रेडी हो जाएंगी। सिंपल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे ही हमने बटन पर क्लिक करा, फर्स्ट एम्प्लॉय जो है शीट वन पे देख लेते हैं क्या नाम आ रहा है, जॉन डॉय की हमारे पास फर्स्ट नेम से स्लिप बन गई और उसके साथ पे स्लिप लिखा हुआ भी आ रहा है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें, फर्स्ट कोड जॉन डॉय, उनका डिजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी, अलाउंस, बोनस, ग्रॉस, टैक्स क्या रहा, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन के ऑप्शन है और फिर उसके बाद उनकी नेट क्या बनी, टोटल डिडक्शन और यहाँ ग्रॉस माइनस करेंगे तो नेट बन जाएगी और उनकी पे डेट यहाँ पर हमारी आ गई। और एक एम्प्लॉय की नहीं, ऑल एम्प्लॉय की अगर हम क्लिक करेंगे तो सारे रिकॉर्ड सारी स्लिप पे अपडेट हुए हैं हमारे पास। तो ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, और प्लस जितने एम्प्लॉयज हम नए ऐड करेंगे, न्यू एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद उतनी ही स्लिप यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। तो इसके लिए जो हमने कोड लिखा है वो हम देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू कोड, ठीक है जी। जो शीट पे आपकी सैलरी या पेरोल अपडेट हुई हुई है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे विजुअल बेसिक एडिटर आ जाएगा, इसमें आएंगे इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये कोड एंटर करना है, सब्जेक्ट जनरेट पे स्लिप्स डिम डब्ल्यू वर्कशीट एज वर्कशीट सेट वर्कशीट डिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट शीट वन चेंज शीट
अगर आपका कोई शीट का नाम होगा, सैलरी का या पेरोल का, तो आप शीट वन में नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद डी में LRS लॉन्ग, और यहाँ पर LRS WS सेल्स WS डॉट रॉस डॉट काउंट डॉट कॉम SLF डॉट रॉ। अब ये यहाँ पर आई और बराबर है टू, ये हम उसको लूप के लिए यूज कर रहे हैं, और LR जो हमने स्ट्रिंग बनाया था यहाँ पे। डिम पे स्लिप एज वर्कशीट सेट पे स्लिप दिस वर्कबुक शीट डॉट आफ्टर दिस वर्कबुक शीट डॉट काउंट। तो ये काउंट करके जो पे स्लिप होगी उसमें जो शीट का सेल टू होगा, यानी रॉ टू, रॉ टू के अंदर वैल्यू जो भी नाम होगा उसका, उसके साथ शीट जो बनेगी उसमें पे स्लिप लिखा हुआ आ जाए, जो अभी मैंने बताया था कि सारी लाइन से आ रही पे स्लिप लिखी, वो हो गया। अब इसके बाद सिंपल ये कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आप। कॉपी पेस्ट पे स्लिप यहाँ पे ये लिखना है डॉट एम्प्लॉई आईडी, और फिर फर्स्ट ये आ गया, और फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू डॉट सेल जो होगी आई डॉट वैल्यू वर्कशीट की वो। तो इसके साथ ही बस इसको एम्प्लॉई नेम डिपार्टमेंट और फिर जो उनकी सेल एड्रेस है जहाँ पर उसको प्रिंट करना है, ये डाटा इस तरह से आएगा। और इसमें आपको कॉलम और रॉ नंबर डिफाइन करने हैं, इसमें चेंज होते रहेंगे। ठीक है जी, पहले 6 का 1-2, फिर 7 कॉलम का 1-2 हेडिंग, और उसके साथ जो उसकी डिटेल होगी वो। फिर इसी तरह से 17 कॉलम है, 17 कॉलम तक हमारा यही स्टेप रिपीट होगा। और फिर उसके बाद जब एक शीट बनेगी, तो एक शीट के बाद हमने नीचे नेक्स्ट आई करा हुआ है, लूप काम करेगा दूसरी शीट पे, तीसरी शीट पे, चौथी शीट, और एंड तक जितने आपके यहाँ पर रिकॉर्ड्स सबकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तो ये बार बार इसको कोड को रन करेगा। जब ये कोड आप टाइप कर लेंगे तो यहाँ से इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रन यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाए, और इधर से जिस सब्जेक्ट से आपने डिफाइन किया था, ये बटन मैंने बनाया हुआ, इंसर्ट्स पे जाएंगे, शेप से आप बटन जनरेट करें यहाँ पे, कलर फॉर्मेट वगैरह यहाँ से दे दें, और यही जनरेट पे स्लिप PS लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में, राइट क्लिक कर लें, फॉर्मेट वगैरह वही होम मेड बोर्ड इस तरह से कर सकते हैं, राइट क्लिक असाइन जनरेट पेस्लिप सब्जेक्ट दिया होता ओके। अब जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे मल्टीपल सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी स्लिप। इसमें फॉर्मेटिंग इंक्लूड मैंने नहीं करी, फॉर्मेटिंग के लिए आप शिफ्ट फर्स्ट वाली क्लिक करेंगे शीट, और फिर शिफ्ट दबा के एंड वाली, ऑल फॉर्मेट शीट्स के सेम है पे स्लिप के। तो यहाँ से जूम बढ़ा के यहाँ से ऑल सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें, ऑल शीट्स की जो डाटा एंट्री होंगी उसमें सबकी कॉलम विड्थ बढ़ जाएगी। तो आप मैनुअल कर लें क्योंकि ये सारी रेंज में जितनी पे स्लिप्स हैं सिलेक्ट है, तो इसी में आप इसको सेट कर लें, यहाँ से बोल्ड वगैरह करना है, ऑल हेडिंग्स को किस तरह से आप शो करना चाह रहे हैं वो देख लें, उसके बाद उसका किस तरह से हेडर को कलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिक सैलरी क्या है उनकी वो आप कलर से अलग से चेक करवा सकते हैं कि भाई बेसिक सैलरीज हो गई इनकी, और इसी तरह ये टोटल डिटेक्शंस हो गई, और ये इनका नेट अमाउंट बन गया। ठीक है जी, तो ये मल्टीपल हमने सिलेक्ट करी हुई है शीट, किसी भी एक शीट में हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल शीट में वही कलर वही फॉर्मेट वही स्टाइल सारे अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब देखकर आपको यकीन आ गया कैसे करना है, ये भी मैंने समझा दिया। कोड के लिए रिक्वेस्ट आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को स्टॉप करके अपना कोड आप लिख भी सकते हैं। तो समझ में जिस तरह मैंने बताया कोड को लिखेंगे तो आप खुद भी समझेंगे कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं, और बाकी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ईमेल सेंड वगैरह कर दूं आपको, या फिर वेबसाइट पे जल्दी थोड़ा सा शीट्स के हवाले से भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, उसके हवाले से भी मैं कर रहा हूं, और ये भी आपको सब चीज़ें वहां पर अपडेट मिल जाएंगी। तो कोशिश जारी है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगे करें, लाइक वगैरह रिस्पॉन्स वगैरह ज़रूर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सारे काम कम्प्लीट हो सके। क्या देखना चाहते हैं क्या सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।